एनीवे हर मौसम एंजॉय करने का है, गर्मी ना हो तो आम नहीं पकते, फ्रूट अच्छा नहीं आता तो गर्मी की भी जरूरत है। मुझे याद है कई साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, 17 साल या 16 साल का था, तो पहली दफा योगा इंस्टीट्यूट में गया बॉम्बे में। तो अब तो वो खैर बड़ा तब्दील हो चुका है, दुनिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है वो। तो वहां मैंने कोर्स के लिए रहने का, रेजिडेंशियल कोर्स कहते हैं जिसमें आप वहीं रहते हैं, तो हमने ज्वाइन वॉइन कर लिया। अच्छा आप आ गए, आज आपका सवाल है। तो हमने ये किया कि ज्वाइन कर लिया दोपहर को, अब हमें पता नहीं कि रात को क्या होने वाला हमारे साथ। जब शाम को वो ले गए हमको कमरे में, तो उस वक्त हमने सामान रख दिया, उसके बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मेडिटेशन, लेक्चर्स वगैरह में। रात को डाइनिंग रूम में गए खाना खाने के लिए, तो खाना ऐसा जो मुंह में ना जाए। अच्छा, एक तो होती पकी हुई सब्जी, मसाला नमक, ना मसाला ना नमक, सिर्फ बॉइल्ड सब्जी, अब वो मुंह में कैसे जाए? रोटी बगैर घी के या तेल के, सूखी रोटी, वो भी मुंह बाहर। किसी तरह हलक से नीचे उतारी, कमरे में गए। अब जब एक कमरे में 4 पलंग थे, डॉर्मेट्रीज थी, और मच्छर के लिए वो मच्छर जो होती है नेट। अब कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि पंखे ही नहीं है कमरे में, कोई पंखा नहीं। और पहले 4 रातें, इसको कहते ना कयामत की रातें गुजरी, और बॉम्बे के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, कराची से ज्यादा है, और वहां जो गर्मी लगती है, पसीना जो बहता है, मैं आपको बता नहीं सकता। 4 रात गुजरी, मगर आहिस्ता आहिस्ता 4 रात के बाद जिस्म आदी हो गया इस चीज का। तो 5वीं रात बगैर पंखे के नींद आ गई। काश हम सब ये सीख लें तो हमें बिजली का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, पहला सवाल, अलावा साहब ठीक है? I have tried to quit smoking for like many times, but every time I seem to lose the war between need of it or just the pleasure of smoking. How do I quit once and for all? अच्छा जी, पहली चीज ये है कि अगर तो आप वाकई सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, इरादा है, तो हिप्नोसिस हेल्प कर सकता है। 4 सेशन होते हैं हिप्नोसिस के, ऑन साहब भी दे सकते हैं, तो 4 सेशन में आप हिप्नोसिस से सिगरेट छोड़ देंगे। सिगरेट एक अजीब और गरीब नशा है, इसमें निकोटीन की डिपेंडेंसी के अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल एडिक्शन बहुत है सिगरेट में। जब हाथ में सिगरेट होती है तो इंसान तन्हा महसूस नहीं करता। आप नोटिस करें, तमाम शायर, तमाम अदीब, तमाम अफसाना निगार में से अक्सर जो मर्द हैं, अक्सर सारे ही, वो स्मोक करते हैं। और जब सिगरेट जली भी हो तो फिर शेर भी की आमद भी होती है, और अच्छा सा कोई मजमून भी जहन में आता है, क्योंकि समहाउ ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। ये आपके ब्रेन को बजायर नहीं चलाती मगर चलाती है एक्स्ट्रा। सेकेंडली, जो लोग तन्हा होते हैं और अगर वो सिगरेट नोशी के आदी हैं, तो उनकी तन्हाई का जो दोस्त है, साथी है, वो सिगरेट बन जाती है। फिर ये जो टच होता है सिगरेट का उंगलियों के दरमियान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लम्स जो है, ये भी जहन में, ब्रेन में फिक्स हो जाता है। तो सिगरेट छूटी जा सकती है और इसको छुड़वाई जा सकती है हिप्नोसिस के जरिए, मगर शर्त यह कि आप पहले इरादा कर लें कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक सवाल जो पिछली दफा हमारे एक दोस्त लेके आए थे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? यू हैव वन सेड इन लाहौर पीसी होटल, खुदी को कर बुलंद इतना क्या, तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, फिर पूछे बता तेरी रजा क्या है। इट्स अ पोइट्री फ्रॉम इकबाल सर। हाउ कैन समबडी डू दिस एंड वॉट काइंड ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकली नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड? प्लीज इलोबरेट इन डिटेल एंड स्टेप बाई स्टेप। अच्छा जी, सबने पढ़ी होगी ये अल्लामा इकबाल की नज़म, सुनी होगी कम से कम, खुदी को कर बुलंद इतना कह तकदीर से पहले। अल्लामा इकबाल के पास जो जहन था और जो अल्लाह ने उसे डेप्थ दी थी, गहराई दी थी सूझबूझ की, वो आम आदमी के पास नहीं थी। तो अल्लामा इकबाल के इस खुदी के कॉन्सेप्ट को आम आदमी समझ नहीं पाया, इसीलिए आज तक कभी टेलीविजन पे, बड़े पैमाने पे, बड़े खास मौकों पे इस शेर को डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया। क्योंकि पहले तो खुदी को समझने के लिए ऐसा बंदा हो जो खुदी को समझता हो, जब खुदी को ना समझे तो किसी को और कैसे समझा सकता है, तो ये इशू रहा है। अब इसमें कुछ गलत फहमियां हो गई, खुदी का नैमुल बदल ना उर्दू में है ना इंग्लिश में है, इसका दूसरा लफ्ज नहीं है, मुतबद्दल जो लफ्ज कहते हैं, नहीं है कोई भी अल्फाज।
फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो ईगो हो जाता है, ईगो नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर आता है। उर्दू में करें तो मैं आ जाती है, मैं भी नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो ये बड़ा मसला है कि इसको किस अंदाज से बयान करें। तो चंद अल्फाज ऐसे हैं जो शायद नुमाइंदगी करें और फिर आगे हम बताते हैं खुद ही है क्या। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जात में अपनी रिस्पेक्ट करना, ये खुदी का एक अंसर शामिल है। दूसरा खुद एतमादी में भी जरूरी है खुदी के लिए। असल जो खुदी का जो इवेंचुअली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपनी जात को जानना, ये खुदी का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपनी जात की आगही, अपने जात का शऊर। अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब दुनिया में आए तो हमने अपने पांच सेंसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया। माँ बाप ने छुआ, प्यार किया, उनके छूने का लम्स और उनकी आवाज़, ये दोनों आपस में मिल गए, ये ब्रेन में एक नया कनेक्शन बना। फिर हमें एक नाम दिया गया, हमें नाम से पुकारा गया, फिर हमें ग़िज़ा दी गई, वो ग़िज़ा मुंह में गई, उसका जायका आया, वो ब्रेन के अंदर एक कनेक्शन बना। इस तरह पांचों हवास जो हमारे हैं उससे हमने दुनिया को जानने की कोशिश की। फिर हमें नॉलेज देना शुरू, इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, इन्फॉर्मेशन हमारी स्कूल ने देना शुरू की। जैसे जैसे हम बड़े हो गए हमने बैरूनी दुनिया के साथ जो हमारा राबता है और बैरूनी दुनिया से जो मालूमात हमें मिलती है उसके लिए हमारे पांच सेंसेस हवा से खमचाज है, वो हर लम्हे तैयार है कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन जो है अपने अतल और अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के जरिए से एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद कोई नतीजे पे पहुंचता है और फिर उसे एक टैग देता है, एक नाम दे देता है कि इसका ये काम है, इसका ये मसरफ है, ये जो मालूमात मेरे पास आई है कि इस तरह इसका इस्तेमाल होगी या इस्तेमाल नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें इंसानी जहन जो है ये काम करता है। मैंने आपको याद हो पिछले लेक्चर में शायद कहा था कि चूंकि इंसान के हवास महदूद है तो जो मालूमात इंसान को मिलती है इस हवास से वो नाकिस है, और नाकिस मालूमात जब मिलती है अकल को तो चूंकि अकल महदूद है तो अकल इस नाकिस मालूमात से जो भी नतीजा अखज करती है वो भी नाकिस होगा। तो इसीलिए हम सब की अपनी जिंदगी में एक लफ्ज पर्सनल रियलिटीज होती है। काली बिल्ली रास्ता काट दे, ये मेरी रियलिटी भी है, मेरा फॉर एग्जांपल बिलीफ भी है, जरूरी मेरा मैं मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये कि जी कांटे से दही नहीं पिया जा सकता, दही खाया नहीं जा सकता कांटे से, ये एक पर्सनल रियलिटी है। कांटे से ज़ाहिर चम्मच से होता है मगर कांटे से भी खाया जा सकता है, लोग कहते नहीं मुमकिन नहीं है। इसी तरह मेरी अपनी जात के बारे में मेरी राय, मगर ये वो राय जो मुझे मिली है लोगों से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी माँ बाप ने मुझे कंपेयर किया मेरे भाई बहनों से तो मैं हमेशा अपने आप को कमतर महसूस करूंगा, तो मेरी राय मेरे बारे में नाकिस होगी, कमतर होगी, मैं नाकारा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और इवेंचुअली चूंकि मुझे कोई चाहिए जिस पे मैं इल्ज़ाम दे सकूँ कि मैं क्यों नाकारा हूँ, मैं क्यों नाकाम हूँ, नाकाम हूँ जिंदगी में, मैं कामयाब नहीं हूँ क्यों मेरे भाई की तरह, तो मैं फिर जब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कहूँगा तकदीर है मेरी। ठीक है, ये हमारी पर्सनल रियलिटीज है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी जाती हकायक है जो हमें हम बनाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो हमारी एक दुनिया बनती है मगर इस दुनिया का ताल्लुक हमारी जात से नहीं है, बैरूनी दुनिया से जो स्टिमुलस मिलता है उससे हम एक नक्शा बनाते हैं जो हम नहीं है असल में, ये हमारी एक और शख्सियत है जो हमारी बनती है। अब जब इंसान इस रास्ते पे चले कि वो अपनी जात के पिन्हा, जात के अंदर जो पिन्हा उसूल है, जात के अंदर जो पिन्हा राज है उसको ढूंढे, तो ये रास्ता है खुदी की तरफ। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले तो अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। हम में से कितने आदमी जब सोचते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं? बहुत कम। जब हम सोचते हैं तो हम सोच बन जाते हैं, हम सोच को इस तरह नहीं देख पाते जिस तरह मैं सिनेमा स्क्रीन में आप मूवी देखते हैं, नहीं देख पाते, आप सोच बन जाते हैं। अंदाजा करें, इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत वर्ड इंग्लिश में यूज होता है, मेटा कॉग्निशन कहते हैं। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, हायर, कॉग्निशन का मतलब है कॉग्नाइज करना।
किसी चीज को प्रोसेस करना, सोचना, तो मेटाकॉग्निशन में ये होता है कि आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो। जब ये इख्तियार आपके पास आ जाता है कि आप जो सोच रहे हो वो आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, तो आपका ये इख्तियार इस तरह काम आता है कि आपकी मर्जी है क्या सोचो और क्या ना सोचो। यानी ये इख्तियार आपके पास है कि आप सोचो। अच्छा, अल्लाह ने इख्तियार इंसान को दिया, इंसान ने इख्तियार छोड़ दिया क्योंकि वो बैरूनी दुनिया से अपब्रिंगिंग में, तरबियत में, तालीम में जो कुछ उसे सिखाया गया उसके अंदर उसने अपना इख्तियार छोड़ दिया। तो आज वो आगाह नहीं है अपनी जात के बारे में, उसको आगाह ही नहीं अपनी जात के बारे में। वो अपने आप को गोश पोश का एक इंसान समझता है जिसका एक नाम है, जिसकी एक फैमिली है, जिसके पास ये तालीम है, मगर असल वो क्या है आगाह ही नहीं उसको। अब इस आगाही के लिए, ये जानने के लिए, ये शऊर पैदा करने के लिए सबसे पहले चीज ये कि आपको पता हो कि आप क्या सोचते हैं। ये नहीं कि आपको ये पता हो कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या सोचा, नहीं। जिस वक्त आप सोच रहे हो, जब आपके ख्यालात आपके जहन में चल रहे हो, तो आप उसे देखें विटनेस की तरह। विटनेस समझते, विटनेस कहते गवाह को। एक जुर्म हो रहा है और दूर से एक बंदा देख रहा है उस जुर्म को, उस जुर्म में शामिल नहीं है मगर उसने देख लिया, तो उसको विटनेस कहते हैं। कोर्ट उसको बुलाती है, भाई तुमने देखा, तुमने सुना, तुम्हारे सामने ये चीज हुई, इसको विटनेस कहते हैं। तो अगर हम ये चीज सीख लें कि अपने थॉट्स को विटनेस के तौर पे देखें, तो ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स खुदी। और खुदी में क्या चीज है, जब इंसान अवेयर हो जाता है तो उसे पता है कि किस किस्म की सोच, किस किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आते रहते हैं। अब वो फिर फैसला करता है कि ये सोचना है कि नहीं सोचना, इस ख्याल को अपने जहन में रखना है कि नहीं रखना, या इसके बदले नेमुल बदल किस चीज को रखना। इसी तरह वो इसका सेकंड स्टेप, उसकी जात है क्या, वो गोश पोश का था, अच्छा पैदाइश से पहले क्या था, क्या था पैदाइश से पहले, यानी मां के पेट में आने से पहले क्या उसकी कोई हकीकत थी। अच्छा, उसके बारे में वो रिसर्च करता है कि यार शायद था, अल्लाह ने कहा है कि भाई मैंने तुमसे पूछा था भेजने से पहले दुनिया में कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुमने इकरार किया था कि हाँ तू मेरा रब है, तो इसका मतलब मेरा वजूद था दुनिया में आने से पहले, तो वो वजूद क्या था मेरा, जब अल्लाह ने मुझसे पूछा था, अहद लिया था, तो वो मेरा वजूद क्या था, तो मैं उस वजूद से फिर आगे बढ़ूंगा कि इसका मतलब है मेरा एक वजूद था, अब मेरा एक और वजूद है, ये वजूद चला जाएगा फिर एक और वजूद होगा मेरा। तो अब ये जो सफर है मेरा इस मादी वजूद से रूहानी वजूद की तरफ, इसमें फिर अगेन सेल्फ एनालाइज में आता है कि क्या क्या रुकावट है, मैं क्या चीज कर रहा हूं। नंबर वन, बहुत सारी बातें, फितरत, मेरी फितरत क्या है, इस पर भी इंसान सवाल करता है, मेरी असल फितरत क्या है। मेरी असल फितरत मोहब्बत है, मेरी असल फितरत जो है वो दूसरों के काम आना है, मोहब्बत में काम आता है इंसान किसी। क्या मैं अपनी फितरत के हिसाब से चल रहा हूं, नहीं चल रहा तो इसका मतलब मैं अपनी फितरत से दूर। तो दूसरी चीज है कि मुझे अपनी फितरत की तरफ वापस लौटना होगा। मेरे लिए तमाम इंसान एक से होने चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत करो, तो मैं इंसान से प्यार करना शुरू करूंगा, फिर एक और लेवल के, फिर अल्लाह की सारी मखलूक से प्यार करूं, अल्लाह ने जो जानवर बनाया वो भी मुझे नजर आते हैं, मैं उनसे भी प्यार करूं। अच्छा, फिर मैं उनसे भी प्यार करूं जिनको मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह की मखलूक है, ये मेरा ईमान है, तो मैं उनसे भी प्यार करूं। अब जब मैं इस रास्ते पे आता हूं कि अल्लाह की मखलूक से मैं प्यार करता हूं, तो मेरा अमल कैसा होगा, मेरा अमल यकसर तब्दील हो जाएगा, मेरी जिंदगी की रविश बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, मेरे रास्ते बदल जाएंगे, मेरे रवैये बदल जाएंगे, क्योंकि हर इंसान जो है वो मखलूक है अल्लाह की। तो मैं किसी मखलूक को अल्लाह की तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो अल्लाह ने उसे बनाया, खल्क किया है, जिसे मुझे खल्क किया है। ये फिर एक हायर लेवल की सोच है, इंसान की रविश, इंसान का किरदार, इंसान की जहन के अंदर तब्दीली आती है, उसका इखलाक बनना शुरू होता है, और फिर उसका अमल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक ये रास्ता है। अच्छा, फिर एक और रास्ता आता है इसके बाद, कि जब मैं अपनी जात के बारे में आगाही लेने की कोशिश करता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये जो निजाम है मेरे जिस्म का, ये चलता कैसे। अच्छा, अब मेडिकली कहें हार्ट जो है वो बीट करता है, अच्छा कैसे करता है और बंद कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। फिर ये दौरान खून की जो गर्दिश है पूरे मेरे जिस्म में,
ये कैसे होती है, एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर जब मैं समझने लगता हूं अपने इस सिस्टम को तो मैं अपने पैदा करने वाले की कुदरत को समझने लगता हूं। जितना उसकी कुदरत को समझता हूं मैं उससे करीब होता जाता हूं, क्योंकि मैं उसकी कुदरत के जरिए ही उससे करीब जाऊंगा। तो मैं उसकी कुदरत को समझता हूं, जैसे जैसे मैं उसकी कुदरत को समझने की कोशिश करता हूं मेरा ताल्लुक मेरे रब से और गहरा होता जाता। इसी के अंदर एक और चीज भी आती है कि मैं फिर नफ्स मुतमईना के लेवल पे आता हूं कि मैं मुतमईन हूं, शिकवे शिकायत मैंने बंद कर दी, जैसा हूं जैसा दिया है मैं बहुत खुश हूं, शुक्रगुजार हूं उसका। ये रवैये पैदा होते हैं, ग्रेटिट्यूड का रवैया पैदा होता है इंसान के अंदर। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि जब मेरे अंदर एक कायनात बसी है, दुनिया बसी है, मेरे जिस्म में सूरज भी है, मेरे जिस्म में जैसे प्लैनेट्स की मूवमेंट है मेरे जिस्म में भी मूवमेंट्स है, उनकी गर्दिश है, मेरा जिस्म जो है वो सेल से बना है, सेल मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल एटम से बना है, तो मेरे जिस्म में भी हर लम्हे मूवमेंट है जो मुझे नजर नहीं आती, मुझे महसूस नहीं होती, मगर मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट को समझने से मैं फिर बाहर की तरफ देखता हूं तो मुझे इस कायनात में हर जगह एक खास किस्म की मूवमेंट नजर आती, जिसको मैं साकित समझता था, अब मुझे समझ में साकित नहीं है, ये मुझे नजर आती है कि चीज रुकी हुई है, मगर हकीकत में ये मूव कर रही है। तो मेरे बाहर की दुनिया को मैं अंदर की दुनिया से कनेक्ट करता हूं कि दोनों में एक चीज सिमिलर है, और सिमिलर ये है कि हर शय जो कायनात में खल्क हुई है अल्लाह ने उसको एटम से बनाया है, और उस एटम में और मेरे एटम में फर्क ये है कि वो एटम डिफरेंट है, मेरा एटम डिफरेंट है, मगर जो चीज सिमिलर है वो ये है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मेरे में भी घूम रहा है। अब मैं कनेक्ट होना शुरू होता हूं, मैं बादल से, पहाड़ से, जमीन से, मट्टी से, दरिया से, समंदर से, इंसानों के अलावा अल्लाह की और मखलूक से कनेक्शन शुरू कर देता हूं। मैं किसी जानवर को बिलावजा नहीं मारता, किसी दरख्त को बिलावजा नहीं काटता, क्यों, वो भी मखलूक है। तो ये एक लेवल ऑफ थिंकिंग पैदा होता है इंसान का, जहां वो अपनी जात को समझने के बाद अपनी जात से बाहर निकलता है, अपनी कमजोरियों को जान लेता है, खामियों को जान लेता है, अपने अंदर कुदरत को पहचानता है, फिर तलाश करता है रब की कुदरत को बाहर। जब रब की कुदरत को तलाश करने निकलता है तब उसे पता चलता है कि इस कायनात का मुझसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, हर चीज दूसरी चीज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी लेवल पे, हमें समझ में नहीं आती। आज मैं टीवी पे था तो मैंने एक बात कही, पता नहीं कितने लोग समझे, मैंने कहा हमारे अंदर एक आग का जिस्म भी, एक पानी का जिस्म भी, एक हवा का भी, एक आकाश यानी स्पेस का भी है, ये सारे जिस्म हमारे अंदर मौजूद है। अब आम आदमी इस बात को नहीं समझता, भाई आग का जिस्म मौजूद है मेरे अंदर, क्यों, मुझे गुस्सा महसूस होता है, मेरे पेट के अंदर जो है वो आग है, फैक्ट है, जब खुराक डाइजेस्ट होती है कैलोरीज प्रोड्यूस करती है, कैलोरीज ए यूनिट एन एनर्जी यूनिट, वो पैदा होती है, सिस्टम वही है मेरा, बट तरीका का डिफरेंट होगा तो मैं महसूस नहीं कर पाता, अगर महसूस करता तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब जब मैं बैरूनी दुनिया में देखता हूं कायनात में अल्लाह की मखलूक को, अब मैं उसकी कुदरत को और लेवल पे तलाश करने की कोशिश करता हूं, मैं सोचता हूं कि या अल्लाह ये इतना टनो मनो पानी समंदर से उठता है भाप बनकर और फिर जमीन पर वापस आता है, ये निजाम है तेरा, कहीं पे प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है और कहीं कुआ प्यासे के पास आता है, यानी बारिश जब किसी जगह आती है तो कुआं ही आया ना प्यासे के पास, तो ये निजाम को समझता हूं। इस निजाम के साथ साथ जो और चीज मैं समझने लगता हूं कि फिर मेरा मकसद जिंदगी क्या है, हयात क्या है। अब यहां पे कुछ चीजें ऐसी है जो समझने की है, पहली चीज तो ये कि आमतौर पर आप ये सुनेंगे कि इंसान की तखलीक का मकसद जो है वो रब की इबादत है, बिल्कुल सही है, मगर इबादत कहते किसे है, एक लेवल पे तो ये समझ में आता है कि ठीक है अल्लाह की जो मर्जी है, जो बातें हैं अल्लाह के अहकाम है उसको मानो, नमाज पढ़ो, रोजा करो, जकात दो, हज अगर आपके पास वसाइल है तो हज करो, ये आमतौर पर है, मगर इबादत का असल रूह क्या है, इबादत जिक्र
जिक्र से मुराद क्या है, मतलब मैं आपका जिक्र कर रहा हूं इसका मतलब मैं आपको याद कर रहा हूं, राइट। तो अंग्रेजी में एक बड़ा कमाल का एक वर्ड आया है जो शायद इसको एक्सप्लेन करे, उसे कहते हैं गॉड्स कॉन्शियसनेस। यानी जो हमारी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है जिसका नाम मोइज है मिसाल के तौर पर, ये तब्दील होती है और इसकी जगह अल्लाह का तस्वुर इसके अंदर आ जाता है, फिर मोइज मोइज नहीं रहता, फिर गॉड्स कॉन्शियसनेस होती है। हर शय जब मैं देखता हूं, मेरी आंखें देखती है, मेरी कान सुनते हैं, तो मैं इमीजिएटली कनेक्ट करता हूं खालिक के कायनात के साथ कि ये जो दरख्त बना है उसने क्यों बनाया, इसका मकसद क्या है, ये बिल्ली बनाई है उसने पैदा की क्यों, बिल्ली पैदा की है, ये कुत्ता क्यों पैदा किया है, ये पहाड़ क्यों बनाए उसने। तो मैं तलाश, इसी तलाश में मैं कुदरत के उन राजों की तरफ बढ़ना शुरू करता हूं कि जिसे आमतौर पर आज के दौर में हम साइंस उलूम कहते हैं, और बड़े अजीब और गरीब चीज है इस वक्त दुनिया के अंदर दरियाफ्त हुई जो शायद हमें पता ही नहीं है। अल्लाह ने हमारी हम सबकी अजीब और गरीब तरीके से हिफाजत की, अजीब और गरीब तरीके से हिफाजत की। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको छूंगा, आपसे हाथ मिलाऊंगा, तो मेरे हाथ और आपके हाथ के दरमियान एक बहुत ही बारीक सी एनर्जी की शील्ड होती है, फील्ड होती है, इसे हिग्स एनर्जी फील्ड कहते हैं। अच्छा क्यों होती है, इसलिए होती है कि अगर वो ना हो और मैंने आपके साथ हाथ मिलाया तो या तो मैं आप बन जाऊंगा या आप मैं बन जाऊंगा, मेरी पूरी केमिस्ट्री, मेरी पूरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, मैं आप बन जाऊंगा, या फिर आप ताकतवर है तो आप जो है वो मुझे, मेरा जिस्म आपकी तरह हो जाएगा। तो ये हम अच्छा अब इससे नतीजा एफएस किया, इसका मतलब है इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो पहाड़ के साथ खड़ा हो और पहाड़ बन जाए, बिल्कुल है। कैसे, ये बहुत मुश्किल है सवाल, पर ये समझ में जब आने लगता है तो इंसान की सोच का मयार बहुत बुलंद हो जाता है, और फिर वो मकाम आता है जब वो करीब पहुंचता है अपने रब की जात के करीब पहुंचने लगता है, अपने रब को जानने लगता है, अपने रब को पहचानने लगता है, तो तब फिर वो इस काबिल होता है कि अल्लाह उसे कहता है कि चल अब तू जो बोल मेरी तरफ से रजा है, तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा, मगर शर्त क्या है, पहले आपने राजी होना है उससे। हम ये राजी के लेवल से ही ऊपर नहीं आ पाते, नहीं आ पाते ना। जब बंदा रब की रजा पे राजी हो जाए तो फिर रब उसकी रजा को मान लेता, फिर जो इंसान कह दे मुंह से रब पूरा कर देता, पूछ लेता है तेरी मर्जी क्या, वाकयात भरे पड़े। तो पहला स्टेप क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। आप यकीन कीजिए मुझे 38 साल हो गए ये चीज समझाते समझाते, सेल्फ अवेयरनेस, जिंदगी सेल्फ अवेयरनेस के साथ गुजारो, सेल्फ अवेयरनेस के साथ गुजारो, नहीं गुजारते लोग, इतने मगन हो जाते हैं मैं पता ही नहीं होता। तो सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता, चलते वक्त पता होना चाहिए कि आप चल रहे हैं, खाना खाते वक्त पता हो कि आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात करते वक्त पता हो कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस है, बड़ा मुश्किल काम है, लोग नहीं करते। तो खुद ही जो है वो बेसिकली गॉड्स कॉन्शियसनेस है, और जब ये गॉड्स कॉन्शियसनेस के लेवल पे इंसान पहुंचता है तो अल्लाह ताला फिर उसकी मर्जी को अपनी मर्जी कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लेवल पे बहुत हाई लेवल पे थे कि उन्होंने जो कहा अल्लाह ने कह दिया, जो उन्होंने कह दिया वो तो बहुत ही हाई लेवल। एनीवे, किसी जगह आपने पढ़ा होगा बल्कि सुना भी होगा कि जो अपनी इज्जत नहीं करता दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती, ये भी खुदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जात से प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट करना। जब खुद करोगे अपनी जात को रिस्पेक्ट दोगे तो फिर तुम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब अपनी जात को रिस्पेक्ट दोगे तो दूसरों की जात को रिस्पेक्ट दोगे, दोगे ना, जब अपनी जात को रिस्पेक्ट दोगे तो दूसरों की जात को भी रिस्पेक्ट दोगे। अच्छा जी आगे चले जी, बड़ी गर्मी है वैसे, कोई बात नहीं, चलिए हमने तो अपनी जिंदगी की गर्मियां देखी। अब सोचो कि अगर दुनिया में बिजली फेल हो जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि आपकी बिजली की जो पैदावार है वो डिपेंडेंट है नॉर्थ और साउथ पोल पे, अगर वो कुछ हो जाए उसको, बिजली खत्म हो जाए तो कैसे जिएंगे आप, जी लेंगे
दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन गर्मी लगेगी, इसके बाद कोई गर्मी नहीं लगेगी। लोग पहले रहते थे ना, पंखे तो बहुत बाद में आए, पहले लोग रहते थे, खिड़कियां खुली होती थी, छतें ऊंची होती थी, कैसी जिंदगी थी, कमाल, बरामदे में सोते थे, छत पे सोते थे, नींद आ जाती। अच्छा जी, ये सवाल है, इन्होंने कहा है कि आई फाइंड इट कंफ्यूजिंग टू बिलीव। अब जरा झटका लगेगा कुछ, जो सवाल है वो मैं बताना पड़ेगा मुझे। दैट आवर लॉर्ड इज रहीम करीम गफूर और माई कॉन्सेप्ट ऑफ रहीम करीम इज नॉट एज इट इज। यानी अल्लाह के जो नाम है, इस अल्लाह के जो इस्म है रहीम करीम गफूर, ये मुझे समझ में नहीं आते। अच्छा, क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूं, मैंने लोगों को बहुत तकलीफ और बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारते देखा है, स्पेशली उन लोगों को कि जिनका ईमान बड़ा मजबूत होता है। मैं सोचता हूं कि अल्लाह मुतवातिर उन लोगों को क्यों टेस्ट करता है जो अच्छे लोग हैं दुनिया में, और उनके ऊपर मुश्किल और मुश्किल पे मुश्किलात क्यों डालता रहता है। इनसे मुराद ये कि जो करप्ट लोग हैं उनका कोई हिसाब नहीं है, और जो नेक ईमानदार इंसान हो, सच्चा इंसान हो, उसके लिए जिंदगी के अंदर इम्तिहानात बहुत है। अच्छा, पहली चीज ये समझ लें कि अल्लाह किसी पे मुश्किल नहीं डालता। इंसान जब किसी सिचुएशन में होता है, हजरत अली का बहुत खूबसूरत एक कॉल है, आई होप मुझे याद हो पूरा, कि जब मुश्किल में तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो ये तुम्हारे लिए सजा है, और जब मुश्किल में तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो ये तुम्हारा इम्तिहान है। किसने पूछा था कि मुश्किल इम्तिहान है कि सजा है? तो कहा दूर हो गए तो सजा है, और अगर करीब आ गए तो इम्तिहान था तुम्हारा। अब जहां इंसान सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, तो ये तो आपको सबको मालूम है कि वो खबीज बैठा है हर जगह, मैं खाने के बाहर नहीं बैठा होगा, जरूरत नहीं है, मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठा होगा। अब वो हर उस जगह पे हर इंसान के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। अब वो देखता है कि जहां इंसान इरादा करता है सच बोलने का, जहां इरादा करता है कि मैंने आज से रिश्वत नहीं लेनी, मैंने आज से ये काम नहीं करना, वहां उसके जहन में वसवसे डालेगा, मुस्तकबिल का खौफ डालेगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या करोगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, दूसरे लोग लेते हैं, अल्लाह पूरी रही में मान ले ले, माफी मांग लेना, तोबा कर लेना, है ना, ये वसवसे आते हैं ना जहन में, ये इब्लीस डालता है। अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़े मकसद के लिए दुनिया में भेजा, और वो मकसद उसका इम्तिहान है, और उसी इम्तिहान के अंदर जिक्र है अल्लाह कि अगर वो गॉड्स अवेयरनेस या गॉड्स कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंच जाए तो फिर कोई हार्डशिप उसके लिए हार्डशिप नहीं है, कोई हार्डशिप उसके लिए हार्डशिप नहीं है। मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, आपने पढ़े होंगे, कि जहां नेक इंसानों पे बड़ी तकलीफें आई, ईमान नहीं हिला, मजबूती के साथ जमे रहे ना, हजरत बिलाल हबशी कैसी तकलीफ दी थी, कैसा मारा था, गर्म जमीन पे लेटाया था, मगर नहीं। तो अब ईमान का भी टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के लिहाज से रिवॉर्ड है। भाई देखिए, आईबीए में पढ़ोगे और डिग्री मिलेगी तो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री या लम्स की डिग्री की वैल्यू कुछ और है, और चार कमरे के मकान के अंदर भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसकी डिग्री मिलेगी उसकी वैल्यू कुछ और है। तो जब जिंदगी में मुश्किलात आती हैं आपके, तो उसे आप मेहरबानी करके एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि उसके अंदर आप जीत सके उन मुश्किलात से। ये बड़ा कमाल है इंसान का कि किसी मुश्किल के अंदर वो जब फंसा हो तो उस मुश्किल से निकल सके, अपने ईमान को बरकरार रखते, समझौता ना करे कहीं पर भी कि यार चलना कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। ये गॉड्स अवेयरनेस में ये चीज भी आती है, जब हम कहते हैं ना अल्लाह देख रहा है, तो मुझे ये बताएं कि जब आपका ईमान और यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर आप किसी की गिबत कैसे करते हो, क्योंकि अल्लाह तो पता है। उस लेवल पे हम पहुंचे ही नहीं है जिस लेवल पे ये अवेयरनेस हो हमें कि हर लम्हे वो देख रहा है, हर लम्हे हमारे साथ मौजूद है। तो भाई साहब, जिसने भी सवाल किया, पहली तो बात यह है कि हार्डशिप सब पे आती है, बुरे पे भी आती है, अच्छी पे भी आती है,
बुरा जो है वो बुराई के जरिए जल्दी निकल जाता है। भाई किसी शख्स पे मुश्किल आई, पैसों की कमी आई, उसने रिश्वत ले ली, जान छूट गई, पैसे आ गए घर में, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो ईमानदार आदमी है वो नहीं लेगा तो उसकी मुश्किलात बढ़ जाती है, वक्त बढ़ जाता है। अब उसी वक्त में वो जो सब्र है वो आजमाया जाता है इंसान, सब्र, और उसका अजर है। नेक्स्ट सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन हूं कि लोग आउट ऑफ सेंस या पागल क्यों हो जाते हैं? जीनियस लोग काबिल दिमागी बैलेंस आउट हो जाता है, हम कैसे बच सकते हैं? आपने किसी थर्सडे लेक्चर में सोर असर के बारे में, सूर्य असर के बारे में बताया था। अब सूर्य असर के हम नेक्स्ट थर्सडे लेंगे क्योंकि बहुत लंबी है, उस पर डिस्कशन करना, मगर वेरी गुड क्वेश्चन। दिमागी बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन प्रॉब्लम्स किसको फेस होते हैं? इंटेलिजेंट आदमी, क्योंकि वो सोचता है। जिसमें सलाहियत होगी सोचने की उसको जिंदगी में और प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि मालूमात ज्यादा होती है, इंफॉर्मेशन बेस जिसकी ज्यादा होगी, उसके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, चॉइसेस ज्यादा होंगी, तो वो जहन उसका परेशान जितना होगा। एक देहाती जो है उसके पास जिंदगी में बहुत कम चॉइसेस है, उसने रात को रोटी के साथ प्याज खा के सो जाना है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास, ना इतनी अकल है ना इतनी सूझबूझ है कि वो कुछ सोचे। तो ये फैक्ट है कि अकलमंद इंसानों को जिंदगी में परेशानी ज्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अकल ना होनी चाहिए, इसका ये मतलब है कि जब कोई चीज आपको ज्यादा मिलती है इम्तिहान उतना ही बड़ा आपके लिए होता है, चाहे वो दौलत हो, इक्तदार हो, हुस्न हो, ताकत हो, अकल हो, इल्म हो, इम्तिहान उतना बड़ा होता है। सूर्य असर का याद रखना अगले थर्सडे को। अस्सलाम वालेकुम, होप इज ऑल वेल, योर लेक्चर्स आर वेरी इफेक्टिव। आई लिव इन USA, एज बीइंग अ मदर आई ऑलवेज थिंक दैट इट विल नॉट बी इजी फॉर मी टू ऑफर अरेंज मैरिज टू माई किड्स, सो वॉट शुड आई टेल माई चिल्ड्रन टू लुक फॉर फ्यू क्वालिटीज इन अ गर्ल्स और बॉयज, दैट इज समवन हैज दोस क्वालिटीज इज गुड, और इन अदर वर्ड्स हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर। खातून ने USA से उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे बड़ा मसला हो जाएगा अगर हम अपने बच्चे बड़े हो जाए और कहेंगे जी मैं चाहती हूँ कि फला के साथ शादी करो, तो अरेंज मैरिज जो है वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं बच्चों को क्या कहूं कि अगर उनकी बजाय किसी से दोस्ती है तो क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी इंसान में, वो ये देखना है कि वो इंसान है। जो नजर आता है इंसान, वो जरूरी नहीं कि इंसान हो, इंसानी शक्ल में बहुत बड़ी तादाद में जानवर भेड़िए हैं। इंसान के तराजू पे जो तोला जाए कि वो इंसान है, इसका मतलब है उसमें पहले तो इंसानियत। इंसानियत को कैसे जांचेंगे? इखलाक से। पहला इखलाक, इखलाक कैसा है उसे, वो अपने माँ बाप के साथ क्या बिहेवियर करता है, क्या जिंदगी में माँ बाप के जो हुकूक है वो पूरे किए, वो लड़के या लड़की जो भी हो, सामने वाली पार्टी की बात कर रहा हूं, क्या वो अपने हुकूक, वो अपने माँ को कैसे बिहेव करता है, अपनी माँ के साथ, अपने वालिद के साथ कैसे बिहेव करता है, अपने बड़े भाई या छोटे भाई बहन इनके साथ कैसा बर्ताव है, पड़ोसी के साथ कैसा है, उसकी ऑफिस में जाके मालूम करें कि उसके बारे में लोग राय क्या रखते हैं। आपको पता है ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, आपका पड़ोसी आपके बारे में ज्यादा जानता है आपसे, आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते, आप तो वो जानते हो जो आप जानना चाहते हो, मगर आपका पड़ोसी आपके बारे में जानता है। इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पुलिस किससे पूछती है? पड़ोसी से, है ना। तो अब अमेरिका वगैरह में पड़ोसी बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर आदमी अपने घर में रहता है और उसको परवाह नहीं होती मेरे दाएं बाएं कौन रहता है, मगर जिस जगह वो काम करता हो, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, वहां के लोगों से पता चल सकता है कि ये किस किस्म का इंसान है। तो अच्छा इंसान होगा, डिपेंडेबल होना चाहिए कि आप मुश्किल वक्त में हालात ऊंचे नीचे हो, डिपेंडेंट हो सके आप उस पर, वो आपको सहारा दे सके, सपोर्ट दे सके आपको, फाइनेंशियली हो, मॉरली सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट दे सके। अब मगरिब के अंदर चीटिंग बड़ी कॉमन है, उर्दू में क्या कहेंगे उसे? धोखा तो बड़ा वर्ड है, नहीं हेरा फेरी भी नहीं, पैसों की चीटिंग नहीं, बीवी घर पे बाहर गर्लफ्रेंड है उसको चीटिंग, एक और वर्ड है उसका,
بے وفائی, وفادار ہونا چاہیے. اب یہ چیزیں آپ نے تلاش کرنی ہے کسی بھی شخص میں جس کو آپ نے اپنی زندگی کا لائف پارٹنر بنانا ہے. یاد رکھیے, اگر انسان اچھا نہیں تو مسلمان بھی اچھا نہیں, بالکل نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ پہلے انسان ہو, تب وہ اچھا مسلمان ہو, تب مسلمان نہیں ہو. اچھا جی, نیکسٹ سوال یہ ہے, یہ سن ان لا اور ڈاٹر ان لا کی بھی بات کر رہی ہیں, داماد کیسا ہونا چاہیے, اندازہ میں نے تھوڑی چیزیں تو بتا دی. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ڈو یو تھنک ریلیجن اور سیکٹ شوڈ بی اے پرائرٹی, بیکاز آئی سین فیو پیپل ایون دو دے ہیو لو میرجز بٹ وین اٹ کمس ٹو ریزنگ کڈس. اچھا یہ ان کا سوال کا آخری حصہ ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کہ کیا شادی کرتے وقت بچوں کی یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا شخص یا لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے, کیا وہ ہمارے فرقے کا ہے, مذہب تو ٹھیک ہے مذہب ہونا چاہیے پر فرقے کا ہے, اور فرقے بھی اتنے بن چکے ہیں, اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل کہ جب بچے ہوتے ہیں تو نارملی بچے باپ کی راستہ فالو کریں گے, جو باپ کا سیکٹ ہے, ماں چاہے گی میرا فالو کر, اس میں کلیش ہوتا ہے. اصولاً تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان, سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ بریلوی ہے کہ دیوبند, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سارے انسانوں نے بنائے ہیں, سارے انسانوں نے بنائے, یہ سارے کلٹس, سارے سیکس انسان نے بنائے, اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے تو کہا میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقے میں نہ بڑھ جانا, اور انسان فرقے میں بڑھ گیا, اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے. اب بچوں کو پہلے تو یہ تربیت دیں کہ وہ سیکٹ کو تلاش نہ کریں, وہ یہ نہ سہیں کہ میں فلاں ہوں, میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں. جہاں آپ نے بچوں کو یہ دے دیا تو وہ اپنے لوگوں کو تلاش کرے گا. انسان میں ایک عجیب و غریب, آدمی میں رادر, ایک عجیب و غریب خصلت ہے یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ دوسری سیم آئیڈینٹی کے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوگا. یہ انسان کی خصلت میں شامل ہے, کیونکہ وہ ایزی محسوس کرے گا اپنے آپ, کمفرٹیبل محسوس کرے گا. اگر کسی اور مسلک کا شخص ہوگا یا فرقے کا ہوگا, وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرے گا. تو کوشش کریں کہ آپ کے بچے کے ذہنوں میں یہ بات ہی نہ ہو, ان سے کہیں ہم مسلمان, ہمارا ایک اللہ, ایک ہمارا نبی, ایک ہمارا قرآن, دیٹس اٹ. باقی ساری ڈیٹیلز ہیں, باقی ساری ڈیٹیلز ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تم یہ دیکھو کہ تم اچھے انسان ہو, تم اللہ کے بندے ہو, دیٹس اٹ, اور قرآن کی جو باتیں ہیں, حدیث جو ہیں, اس پہ عمل کرتے ہو گے, باقی چیزیں ڈیٹیل. اچھا جی, آج میڈم کو ذرا بلا لو. آئی ہوپ خودی کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہو. بڑا کمال کا راستہ ہے, مگر اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کی ذات میں اگر تبدیلی نہیں آئی تو کچھ نہیں ہو. صرف سوچ کی لیول پہ نہیں ہے, سوچ کے اندر تبدیلی اور پھر وہ تبدیلی عمل میں کنورٹ, جب عمل میں تبدیلی کنورٹ ہوتی تو انسان جو ہے وہ پھر اس مقام تک پہنچتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, شاید بتا چکا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک قصہ ہے, اور اگین کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا, میں نے بھی سنا ہے پڑھا ہے. اب ظاہر ہے ہزاروں سال پہلے کی باتیں کتنی کیا ایسی ہمیں کیا پتہ. تو وہ یہ تھا کہ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, اور اس کا بیٹا جو تھا, ایک ہی بیٹا تھا, جوان بیٹا, وہ لبے جان تھا, یعنی کسی وقت بھی اس کی جان نکل سکتی, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے, کلیم اللہ ہے, کلام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میرے بچے کو زندگی دے دے, ورنہ میں اکیلی مر جاؤں گی, میرا کوئی نہیں ہے دنیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور اس کے بعد جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے کہا کہ اس بچے کو زندگی دے دے, تو اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کی موت لکھی جا چکی ہے, اس کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں, اسے زندگی نہیں. خیر جی, جب موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے ملے, اس عورت کو کہا, وہ عورت رونے لگ گئی کہ میرا تو کوئی نہیں ہے. روتی روتی وہ اپنے گھر کی طرف جاتی, ایک بازار راستے میں آئے, بازار میں ایک فقیر ملنگ بیٹھا تھا کوئی, اس نے کہا کیوں رو رہی ہے,
उसने किस्सा बताया, उसने कहा जा मैंने जिंदगी दी, मैंने जिंदगी दी। औरत घर गई तो बच्चा जिंदा सलामत। अच्छा बात फैली, आजकल तो खैर व्हाट्सएप है मगर उस जमाने में वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती थी। बात फैल गई, मूसा अलैहिस्सलाम के कान में बात आई। अल्लाह के इतने बड़े नबी मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ा मर्तबा है बनी इसराइल के नबी, तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार मैं तेरा नबी, मैं तेरा रसूल, तूने मेरी बात रद्द की और एक फकीर कोई गंदा किस्म का आदमी बैठा था बाजार में और उसकी बात तूने मान ली। तो अल्लाह से शिकवा किया एक तरह से। अल्लाह ने कहा एक काम कर, मेरे लिए इंसानी जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट के ला दे, जिंदा इंसान। अब वो बाजार गए, सबको कहा अच्छा भाई तुम दे सकते हो, अल्लाह मांग रहा है जिस्म का एक हिस्सा काट के, कोई नहीं दी। ये फकीर बैठा हुआ था, कहा मूसा क्यों परेशान है? अब इसने कहा मैं क्या उसको मुंह लगाऊं। फिर उसने पूछा क्यों परेशान है? उसने बताया अल्लाह ने ये कहा। कहता ठीक है मेरे साथ चल। गया एक कसाई की दुकान पे लेके गया, वहां से छुरी ली, अपनी रान का गोश्त काटा, दे दिया, जा अल्लाह को दे दिया। यह है गॉड्स कॉन्शियसनेस का लेवल, यह है खुदी का लेवल। कहा जा जिंदगी दे दी, अल्लाह ने दे दी जिंदगी, जिंदगी अल्लाह ने दी, मगर खुदी को कल बुलंद इतना। खैर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। उसने कहा मेरी रजा इसको दे दे जिंदगी, मैंने दी, अल्लाह ने कहा दे दी। ये लेवल है। एनीवे खत्म करने से पहले वो एक सेरेमनी है केक शेक काटने की। अच्छा ये बता दूं मेरी सालगिरह 15 जुलाई की होती है मगर उस दिन बारिश हो रही थी और हमने कहा जुमेरात को वैसे ही लोग आते हैं, दो मर्तबा बुलाने से बेहतर है कि जुमेरात को बैठे, थोड़ी गपशप की, आज लेक्चर भी दिया। और चूंकि उरूज बड़ी खुश है कि मैं 60 साल का हो गया, 30 के हो गया, 60 साल का हो गया, तो कहती है डायमंड जुबली है ये सर, लगते तो आप 30 को जलने दे। तो उरूज कह रही कि जी बस, तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक सेरेमनी कर डालते हैं, इसको आपने हाथ में लेना होगा मेरे ख्याल में। थैंक यू जी, आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे, छोटी सी सेरेमनी है। और हाँ ये बता दो इतवार को मनी माइंड है और आज लास्ट डेट है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कॉइन। ओ माय गॉड यार ये देख तो सी, दिस इज ब्यूटीफुल उरूज। एक मिनट यार ये दिखा सलीम, ये दिखा लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब हवा चली जब जरूरत थी। सो मनी माइंड इज व्हेन टुमॉरो, मनी माइंड इतवार को है, अभी तो होटल मेहरान है, शायद ये चेंज हो जाए अगर बहुत ज्यादा लोग आए। रजिस्ट्रेशन हो गई, जिनकी हो गई ठीक है, कॉइन बॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री मंगवा देंगे आप। चलिए सर कम ऑन मेक अ विश, चलो रेडी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डॉक्टर मोइज़, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्लीज चलो भाई ड्यूटी पे लग जाओ। कौन कौन है? ताबिश, और बॉक्सेस दे दो भाई सलीम जी। सर पहले ये देख लो, हाय हाय हाय, कोई ना खाए हमारी अक्ल है इसके अंदर, जिसने खा लिया वो अक्ल चली गई हमारी। नहीं क्यों चलेगी, बढ़ गई चलेगा।